जस्टिस, पूरी वाट जस्टिस, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, करो मिनिमम वेजेस लागू करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांगे करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, मुलाजमीन जिंदाबाद, याद है मुलाजमीन जिंदाबाद, सीपीडब्ल्यू यूनियन, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम क्या चाहते अपना हक, 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 वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, चुप आज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, चुप आज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, चुप आज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं शाह फयाज, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉज कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रेसिडेंट, जो एक अमल गम है डिफरेंट डिपार्टमेंटल एसोसिएशंस और यूनियंस का। हमारे साथ जेकेएसीसी में कंटिजेंट पेड वर्कर्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये भी एक एफिलेटेड यूनिट है। आज हम इनके साथ खड़े हैं। मामला ये है कि सीपीडब्ल्यूज जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों में काम करते हैं। इन्होंने अपनी ज़मीनें भी दी हैं स्कूलों की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके साथ साथ ये वहाँ पर भी काम करते हैं। काम इनका है वाच एंड वाट और स्कूल की क्लिनिंग और स्वीपिंग। अलमिया ये है कि जब यहाँ पे टर्माइल था, जब यहाँ पे मिसक्रेंट्स ने स्कूल्स को जलाया, उन दिनों इन्होंने अपनी जान को जान पे खेल के जो है स्कूलों की देखरेख की, देखभाल की। लेकिन आज इनको इनके पास 100 रुपया भी अवेलेबल नहीं है दिन के लिए, जो सरकार देने से कासिर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों में जो लोग डिलीवेजर हो, कैजुअल लेबर हो, वो जो है 311 रुपया मंथली ले रहे हैं। लेकिन ये एक तबका है जो स्कूलों की देखरेख, स्कूलों की सफाई दिन रात वहाँ पे बैठ के, हालांकि इनको जब यहाँ पे टर्माइल हालात ख़राब थे तो उन दिनों इन ये फीमेल्स जो काम करती उनको भी ऑर्डर निकाला गया कि आप स्कूलों में काम कीजिए। तो इन्होंने स्कूलों में काम, नाइट पे शिफ्ट में भी काम किया फीमेल्स ने। ये जानकर सरकार को इनके लिए कोई पॉलिसी मरतब करनी थी ताकि इनको जो है डेली बेसिस पे कोई वेजेस मिलते। हमने इस सिलसिले में पिछले साल भी इसकी भरपूर रिप्रेजेंटेशन की, जो महकमे तालीम के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आलोक कुमार और या वर्थी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर या सारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक प्रपोजल बनाया इनके लिए 311 रुपया का, जो दूसरों को भी मिल रहा था, बाकी महकमों के लोगों को, इनका काम को देख के जो फाइनेंस में भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस महकमे ने वो प्रपोजल जो है टर्न डाउन कर दिया। इस बार फिर से बजट है, इसलिए जमा हुए हैं हम इनके साथ खड़े हैं कि हमें उम्मीद है जो इस बार बजट होने वाला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बजट भेजेगी, जो प्रपोजल इनके लिए भेजेगा, हमें उम्मीद है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगी। क्योंकि एजुकेशन एक्ट जब इम्प्लीमेंट हुआ तो फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो बच्चे हैं उनसे फीस नहीं ली जाती है, क्योंकि फ्री एजुकेशन है। जो फ्री एजुकेशन है इस सिलसिले में कोई फीस नहीं ली जाती है। इससे पहले क्या होता था, फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक फी ली जाती थी बच्चों से गवर्नमेंट स्कूल में, उस फीस को यूटिलाइज किया जाता था इनके वेजेस के लिए, चाहे 1000 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, ऐसा करके इनके लिए मंथली किया जाता था। लेकिन पिछले कई सालों से, पिछले 4 सालों से जो है राइट टू एजुकेशन फुली इंप्लीमेंट है, जिसकी वजह से 1st से 8th तक कोई भी फीस बच्चों से नहीं ली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के हेडमास्टर जो स्कूल्स में हैं, प्राइमरी में, मिडिल स्कूल्स में जो हेडमास्टर हैं, वो इनको देने कुछ भी देने से कासिर हैं। इसके बावजूद इनको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको हैरानी होगी, ये पर डे सफाई करते हैं स्कूल की वाच एंड वार्ड होता है या देख रेख होती है, कोई भी चीज़ होता है स्कूल में, ये कर रहे हैं बस। इसको जान के भी सरकार जो है खामोश बनी हुई है। वी होप दैट कि वर्थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हमारे स्कूल एजुकेशन के, वो इस बार भरपूर जो है इसकी हिमायत करेंगे। उन्होंने पिछली बार भी किया, हमें महकमे एजुकेशन से कोई गिला नहीं है, क्योंकि वो भरपूर इनकी हिमायत करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं कि ये इनकी हमें ज़रूरत है। देखिए, स्कूल में एक आदमी की ज़रूरत होती है देख रेख की, सफाई की ज़रूरत होती है। लेकिन ये अलमिया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट प्रपोजल भेजता है इनके लिए और वहाँ से टर्न डाउन होता है, जो कि ज़रूरत है महकमे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो आया लगाई जाती है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो इनका मसला है। वो दूसरा, इनके लिए SRO भी है, ये साथ साथ रेगुलर भी होते थे, लेकिन पिछले 4 साल से वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पोस्ट्स कुछ फ्रीज हो गए हैं, जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए, एक एम्प्लॉय को आप काम ले रहे हो विदाउट प्रोवाइडिंग समथिंग, और जो ज़रूरी है। अब आप इनको बोलते हैं कि आप घर में बैठो, तो स्कूल की सफाई कौन करेगा, स्कूल का वॉच एंड वार्ड कौन करेगा? मिसक्रेंट्स ने, देखिए इनके ऊपर जहाँ पे स्कूल जलाए गए वहाँ पे हेडमास्टर को नहीं, टीचर को नहीं, जाड़ियों को नहीं, CO को नहीं FIR लगा, वहाँ FIR लगा CPW को,
कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी। अगर सरकार ने एंडोर्स किया है इनको, उस वक्त रिस्पांसिबल बनाया है, तो इस वक्त सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है इनको ऑन किया जाए। ये ज्यादा नहीं मांग रहे हैं कि हमें दी 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, कम से कम 100-200 रुपए तो इनको मंथली होने चाहिए सफाई के लिए। अगर हम घर में भी किसी को सफाई के लिए लाते हैं 200 रुपए 300 रुपए उसको भी दे दें तो ये जरूरी है। हम चाहते हैं कि मिनिमम वेजेस हमारी डिमांड है, लेकिन हमें उम्मीद है सरकार से कुछ ना कुछ मिनिमम इनके लिए करेगी, और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी फुल्ली इनके साथ है, इनके सपोर्ट में।